लॉकडाउन के मसीहा, लॉकडाउन के मददगार, लॉकडाउन के हीरो अब बनने जा रहे हैं भगवान। जय हो। अरे क्या अभी तक नहीं समझे क्या? मैं बात कर रही हूँ हमारे सोनू सूद के बारे में। सोनू ने फिल्मों में भले ही नेगेटिव रोल प्ले किया हो, लेकिन कोरोना टाइम में वो काफी लोगों के लिए भगवान समान हो गए हैं। और अब सोनू के फैंस ने उनके लिए मंदिर बनवाकर उन्हें भगवान जी का दर्जा भी दे दिया है। जी हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुन रहे हो। दरअसल तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के डुब्बा टांडा गांव के लोगों ने सोनू को भगवान के दर्जे पर बिठा दिया है। इस गांव के लोगों ने सोनू के नाम का मंदिर बनवाया है और उस मंदिर में ना सिर्फ सोनू की मूर्ति लगाई है, बल्कि सोनू की मूर्ति की आरती भी उतारी जा रही है। तो वहीं गांव वालों की माने तो उन्होंने मंदिर सिर्फ इसलिए बनवाया है ताकि बाकी लोग सोनू की दरिया दिली के बारे में ना ज्यादा से ज्यादा जान सके। मंदिर में सोनू की मूर्ति भी लगाई गई है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे ना वायरल खूब ज्यादा हो रही है। इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद सोनू का रिएक्शन सामने आना तो बनता ही था। सोनू ने फोटोज को शेयर करते हुए लिखा है, मैं आप सबका आभारी हूँ, लेकिन मैं इसके काबिल नहीं हूँ। वैसे सोनू सूद के लिए लोगों का जो प्यार दिख रहा है ना, वो इससे पहले भी कई बार दिख चुका है। कुछ लोगों ने अपने बच्चों का नाम सोनू के नाम पर रखा था, तो कुछ लोगों ने अपनी दुकान का नाम ही सोनू के नाम पर रख दिया था। वही ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि सोनू ने इतनी दरियादिली दिखाकर अपने फैंस के दिल में जो जगह बनाई है ना, वो कोई दूसरा स्टार शायद ही बना सकता है। और शायद यही वजह है कि अब लोग सोनू को पूजने भी लगे हैं। विकेट ओनर बरेली की बर्फी बधाई हो और शुभ मंगल। ज्यादा सावधान जैसे हटकर फिल्मों में नजर आने वाले एक्टर आयुष्मान खुराना अब आपको एक डॉक्टर के रोल में जल्द ही नजर आने वाले हैं। दरअसल आयुष्मान खुराना की नई फिल्म आने वाली है, जिसका नाम है डॉक्टर जी। आयुष्मान ने अपने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए अपने फैंस के साथ ये बात शेयर की है। आयुष्मान खुराना बरेली की बर्फी और बधाई हो जैसी सुपर डुपर हिट फिल्म में जंगल पिक्चर्स के साथ कर चुके हैं और इसी बैनर के साथ उनकी ये नई फिल्म भी जल्द ही आने वाली है। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए खुराना ने अपनी फिल्म के बारे में बताया है कि उन्होंने कभी भी ना अपनी लाइफ में डॉक्टर का रोल प्ले नहीं किया था और वो पहली बार अपनी लाइफ में डॉक्टर का कोट पहनने वाले हैं। वही फिल्म के बारे में उन्होंने आगे ये भी बताया कि फिल्म कॉमेडी के साथ साथ लोगों को एक खास मैसेज देगी, जो लोगों के दिलों को छू जाएगी। वही फिल्म में काफी स्पेशल मुद्दे से जुड़ी हुई है और लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। वेल नो डाउट अपनी एक्टिंग स्किल्स और हटकर फिल्मों को लेकर आयुष्मान खुराना फिल्म डायरेक्टर्स की तो पहली पसंद है ही, लेकिन उनके फैंस भी उनके काफी दीवाने हैं। लेट्स सी अब इस फिल्म में आयुष्मान का क्या हटकर रोल हम सबको देखने को मिलता है। अब हटकर रोल को लेकर बात चल रही है तो इस बहती गंगा में कार्तिक आर्यन ने भी डुबकी लगा ही ली है। वैसे तो कार्तिक आर्यन अपनी एक ही तरह के रोल को प्ले करने के लिए काफी फेमस है, लेकिन लगता है वो अब अपने इस कैरेक्टर से ना फाइनली बाहर ना निकलने वाले ही हैं। दरअसल कार्तिक ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी अपकमिंग फिल्म धमाका में से अपना फर्स्ट लुक शेयर किया है। लुक में वैसे तो कार्तिक आर्यन काफी इंटेंस लग रहे हैं और भाई साहब फिल्म में एक जर्नलिस्ट के रोल में नजर आने वाले हैं। इस लुक में कार्तिक ने स्पेक्स पहने हुए हैं और उनके बाल काफी बड़े और खुले हैं। वहीं कार्तिक के आउटफिट पर TRTV का बैज लगा हुआ है, लेकिन लुक में भी थोड़ा सा ट्विस्ट ना देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनकी शर्ट पर लाल धब्बे नजर आ रहे हैं। फोटो को शेयर करते हुए कार्तिक आर्यन ने कैप्शन में लिखा है, मिलिए अर्जुन पाठक से #धमाका। वैसे कार्तिक की अगर पिछली फिल्मों पे थोड़ा सा फोकस करें ना, तो भाई साहब हमेशा औरतों से पीड़ित ही रहते हैं। लेट्स सी इस बार क्या वो नया गुल खिलाते हैं। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए अनकट।